बच्चे नहीं होते बेटा, छोटे छोटे तुम्हारा तुम्हारा चांद है, तुम्हारा तारा है, नैनों का चैन है, तुम्हारा दिल है, तू मेरा गुर्दा है, तू मेरी अतड़ी है, मेरी पचौनी है नर। और वही ये डाला बच्चे से बिस्कुट में डाला, ले बेटा खा, ले बेटा खा, ये पार्ले का बिस्कुट है बेटा पार्ले। अब वो बिस्कुट जब मुंह में घुलने लगा उसको स्वाद मिला, वो रोना भूल गया, राजी हो गया। तो राजी होने से जो हरियाली थी और रोने से जो लाली थी, लाली और हरियाली के संगम चेहरे पे था। बच्चा था छोटा सा, उसकी ब्यूटी उसकी सुंदरता ने बाप के दिल को अपनी तरफ खींचा और मौली साहब अपने लड़के का ये गाल चूमने लगे, ये गाल चूमने लगे। छुट्टी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा, बोला मुफ्ती साहब ये तुम्हारी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्ला? बोले अस्तगफिरुल्लाह, भाई अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा सदुल्ला। बोले मैं यही पूछता हूँ कि सदुल्ला नाम है कि अब्दुल्ला नाम है, ये अल्लाह की गैरुल्ला? बोले बिल्कुल गैरुल्ला है। रात इज्तिमा में तुमने तकरीर किया था गैरुल्ला को चूमना शिर्क है, और सुबह सुबह 6 घंटे के बाद खुली सड़क पे नील गगन के नीचे सार्वजनिक स्थान पे पब्लिक प्लेस पर सीना काट के सिर कर रहा है। बोले ये जो मैं चूम रहा हूं इसका ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से। तब सुन्नी बोला मुफ्ती साहब अब हम तुम इस पॉइंट पर एक हो गए, यही तो हम भी समझाते थे कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं मोहब्बत से है, चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं मोहब्बत से है। तुम्हें घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है। देखो देखो कौन आया, दुनिया से हमारे खत्म कर दूं, चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी है। देखे उर्दू कितने लोग पकड़ते हैं, चूमते वो भी है, चूमते हम भी है। वो सौजा तक रह गए, हम रौजा तक पहुंच गए। इनसे पूछो अल्लाह के घर में हज करने गए हैं, ये काला काला बकर गाय को चूमते हैं? अजमेर में सफेद सफेद नहीं चूमा, गुजरात में सफेद सफेद नहीं चूमा, मक्का में पहुंच के काला काला। अल हजरुल अस्वद उसका नाम है, हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला, बहुत ज्यादा काला को अस्वद। बोले इसको मेरे नबी ने चूमा था। तब हम चूमते हैं, अभी जवाब दम है। देखो हजी अस्वद चूमने का जो तरीका है वो ऐसे नहीं, आवाज नहीं, लब लग जाए और हटा लो ये चूमना, लब लग जाए। तो रसूल ने चूमा का मतलब क्या निकला कि रसूल का लब लग गया,
سبحان اللہ. تو یہ رشوت ہم اس لیے چنتے ہیں کہ اس پہ رسول کا لب لگا. کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ رسول کا. ابھی نادانوں سے پوچھو کہ حجر اسود وہ ہے جس پہ نبی کا لب لگا, اور گنبد خضرا وہ ہے جس میں نبی کا سب لگا. ابے جب لب لگنے کا یہ حال ہوگا تو سب لگنے کا کیا حال ہوگا؟ اس لگے پر ایک بات کہوں, شاید دل کو لگے, نبی کا لب حجر اسود سے لگا اور ہٹ گیا. ہٹا ہی نہیں, ہٹنے کے بعد یہ عزت. اور رسول کا جسم پاک اپنی قبر سے 1400 برس پہلے لگا, اب تک نہیں ہٹا. تو جب ہٹے گا یہ